ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। कि बंदम गुरु पद पदुम परागा, सुरिच सुभास सरस अनुरागा। बंदम गुरु पद पदुम परागा, सुरिच सुभास सरस अनुरागा। अमीय मूरी माया चूरन चारो, अमीय मूरी माया चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजो मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री दक्षेश्वर धाम की जय। श्री दिव्येश्वर धाम की जय। श्री केतुमालेश्वर धाम की जय। तो कल के सत्संग में हम सुन रहे थे कि ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बताते हैं कि जीवन सफल कैसे होगा। लोग जीवन को सफल मान लेते हैं कि बहुत पैसा कमा लिया तो लोग सोचते हैं कि जीवन सफल हो गया, लेकिन जब उनसे दिल की बात पूछिए तो कहते हैं कि पंडित जी जीवन तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। बहुत नाम कमा लिए, किसी देश के मिनिस्टर, मिनिस्टर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनसे भी पूछिए कि क्या उनका जीवन सुखमय है, तो भी कहते हैं जीवन बस ऐसे ही दौड़ते दौड़ते भागते भागते बीत गया। ऋषभ देव जी स्वयं का अनुभव भी बताते हैं। वो सारे संसार के राजा थे, इसके बाद वो अपने पुत्रों को बैठा करके समझाते हैं, उपदेश देते हैं कि देखो इसमें भागो मत, यह जो संसार है ना, या यहां पर वासनाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है, केवल जलन पैदा करने वाली है वासनाएं, तो इनके पीछे मत भागो। अगर चलना है किसी के पीछे तो बस भगवान की खोज करो और महापुरुषों की सेवा करो। महापुरुषों की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि भगवान भक्ति तो भगवान ने क्या कहा, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति। अगर कोई भक्ति चाहता है, भगवान को चाहता है, तो पहला है कि ब्राह्मण के चरणों में प्रीति हो, बिना उसके
भक्ति मिलने वाली नहीं, और बिना भक्ति के भगवान मिलने वाले नहीं है। तो महापुरुषों की सेवा, चरणों में प्रीति मतलब महापुरुषों की सेवा। और सबरी प्रसंग में भी भगवान ने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संग जो है सत्संग करिए, संतों का संग करिए, संतों की सेवा करिए। जब सेवा करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। बिना सेवा किए अगर कोई सोचता है कि हम वेद का सारा ज्ञान प्राप्त कर लें और भगवान मुझे प्राप्त हो जाएंगे तो भूल में है, वो भूल जाए। वो तो उसी तरह है जैसे गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी, कि चंदन की लकड़ी गधे के ऊपर रखी गई लेकिन गधा उसका मतलब उसका महत्व ही नहीं समझता। तो वेद पुराण याद करना उसी तरह हो जाएगा अगर संतों की सेवा नहीं किए जीवन में। तो पहले संत की सेवा, सदगुरु की सेवा, पहले सेवा करना सीखे। तो फिर प्रश्न हुआ कि हम महान किसे मानेंगे, संत किसे मानेंगे, महापुरुष किसे मानेंगे। तो ऋषभ देव जी वो सारी बात बताते हैं कि परम शांत हो, क्रोधहीन हो, वो हित चिंतक होता है, सबके हित की बात करता है और सदाचार संपन्न। देखिए महापुरुषों की पहचान क्या होती है ये ऋषभ देव जी बताते हैं, उसमें से कुछ हमारी आपकी चर्चा कल हुई। और बताते हैं कि महापुरुष कौन, कहा महापुरुष वह जो परमात्मा के प्रेम ही को एकमात्र पुरुषार्थ मानता है। पुरुषार्थ कौन, पुरुषार्थ क्या है, मतलब पुरुषार्थ का मतलब है जीवन की सफलता किस चीज में, धर्म में, अर्थ में, काम में और मोक्ष। ये चार तरह के पुरुषार्थ माने गए शास्त्र के अनुसार। और श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋषभ देव जी कहते हैं पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ है भगवान के प्रति प्रेम। और भगवान को क्या प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम ही प्रिय है। तो राम जी से प्रेम किया जाए, और जो राम जी से प्रेम करे, जो ईश्वर से प्रेम करे, वही महापुरुष है। जो ईश्वर को प्रेम नहीं कर सकता ना, वो महापुरुष हो भी नहीं सकता। ईश्वर पहली पहचान महापुरुष की है कि ईश्वर को प्रेम करे, ईश्वर को प्रेम करे। और बहुत से विषय की चर्चा, भोग विषय की चर्चा करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। और महापुरुष को क्या है, उसको भोग और विषय में कोई रुचि नहीं होती, इच्छा नहीं होती। ऐसा नहीं है, ऐसा है। जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, उनको भोग वासनाओं में कोई रुचि नहीं होती, स्त्री में, पुत्र में, धन में, मकान में, रुपया में, पैसा में, जमीन में कोई रुचि नहीं होती, लेकिन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि महापुरुष जब गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं तो उसको पूरी तरह से स्वीकार करके गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। और गृहस्थ धर्म का जो पालन करते हुए, लेकिन ये जानते हैं कि मकान उनका नहीं है, यह जमीन उनकी नहीं है, यह पुत्र, यह पत्नी, यह पति, यह मेरे नहीं है, चलो हमें जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है, हमें जिम्मेदारी मिल गई है, हम इसका निर्वाह अच्छी तरह से करेंगे। नहीं तो नॉर्मल क्या होता है। तुलसीदास जी ने कहा गृही लोग मोहबस गृहस्थ धर्म को छोड़ देते हैं। सोची गृही जो मोहबस करई कर्म पथ त्याग। गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया, उसको पूरा नहीं किया, उसको निभाया नहीं, उसको चलाया नहीं, और बड़े साधु बनके, बड़े सन्यासी जी, बाबा जी बनके भाग गए घर से। कहा उसको नरक मिलता है। सोची गृही जो मोहबस करई कर्म पथ त्याग, अपने गृहस्थ कर्म को छोड़ करके भाग गया, सन्यास ले लिया, बाबा जी बन गया, क्योंकि अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर पाया। चलो बाबा जी बन जाना आसान है,
नहीं, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, आश्रम है, इसलिए उसका पूरी तरह पालन करना और इस तरह पालन करना कि यह मेरा नहीं है, ईश्वर की संपत्ति सब रघुपति कह आही, जो कुछ मेरे पास है सब भगवान का है और भगवान का दिया हुआ है और भगवान के लिए है। तो जो महापुरुष होता है ना, कभी कभी आप देखिए वो बड़े बड़े सपने देखता है, महल बनाएंगे, बड़ा जो है मंदिर बनाएंगे, बड़ा आश्रम बनाएंगे, लेकिन किस लिए? भक्तों, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए, अपने भोग विलास के लिए नहीं, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं। होना चाहिए जितना जरूरत है होना चाहिए, धन रुपया पैसा हो तो भगवान की सेवा। तो शरीर निर्वाह के लिए वो सब चीज में प्रवृत्त होते हैं। वस्त्र पहनना है, ठंडी ना लगे, गर्मी ना लगे, ठीक, और थोड़ा स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहेगी तो भगवान का भजन आराम से होगा। इसलिए शरीर निर्वाह के लिए वो जो है कुछ स्वीकार करते हैं प्रसाद रूप में भगवान का। ऐसे लोग महापुरुष होते हैं, ऋषभ जी अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। हाँ, और कहते मनुष्य अवश्य प्रमाद बस, चौथे श्लोक में कहते हैं न्यूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। कहा मनुष्य अवश्य प्रमाद बस, अहंकार बस, मोह बस, आलस्य बस कुकर्म करता है, और कुकर्म अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए यहां वहां भागता है। तो ऋषभ देव जी कहते मैं इसे अच्छा नहीं समझता। क्यों अच्छा नहीं समझा जाता? देखिए, जब हम अपनी इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो हमें दुख ही प्रकट होगा हमारे ऊपर, हमारे ऊपर दुख ही आएगा। क्यों? जीव बहुत अच्छे अच्छा स्वाद लेके खाने लगे तो आप समझिए कि बीमारी होगी। जब भी भोजन हम करेंगे स्वाद के लिए तो हम बीमार पड़ेंगे। भोजन किस लिए होता है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और भोजन को औषधि समझ के लिया जाता है, स्वाद समझ के लिए नहीं। तो जो जीव इंद्रिय है स्वाद खोजती है, अगर हम इसके पीछे भागने लगे स्वाद के पीछे, जरूर बीमार पड़ेंगे। तो दुख ही प्रकट हुआ इंद्रिय की, इंद्रिय के फॉलो करने से, उसके पीछे भागने से, इंद्रियों के पीछे भागने से। तो जितनी भी हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, अगर हम इसके पीछे भागेंगे तो ऋषभ देव जी कहते इससे दुख ही प्रकट होगा, दुख ही मिलेगा। और उन इंद्रियों से जो हम कर्म करेंगे उसके नाते फिर से हम सबको जन्म लेना पड़ेगा। जब फिर जन्म लेंगे तो फिर से कर्म कुकर्म करना पड़ेगा, करेंगे, और फिर पाप में हम पड़े रहेंगे, फिर ऐसा जीवन चलता रहेगा। इसलिए इंद्रियों की इच्छाओं को अपने बस में करना चाहिए, इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए, इंद्रियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, एकदम नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जन्म मरण का कारण बनती है। और फिर इस जीवन में भी हम आप नहीं देखते क्या क्या होता है इंद्रियों के पीछे। कोई किसी का जान मार दे रहा है, कोई किसी को जान से मार दे रहा है, कोई अपनी जान दे दे रहा है, कोई अपने को फांसी लगा ले रहा है, कोई जहर खा ले रहा है, कोई दूसरे को जहर दे रहा है। यह इंद्रियों के कारण ही होता है, और यह इंद्रियों के पीछे भागने से ही हम आप दुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए इंद्रियों के पीछे मत भागिए, भगवान के पीछे चलने की कोशिश करिए, भगवान से प्रेम करने की कोशिश करिए। और भगवान से प्रेम करने का अगर मुझसे पूछेंगे तो एक बहुत अच्छा उपाय है, क्या? नित्य भगवान का के नाम का जाप करना। कैसे जाप करना? थोड़ा समय रोज निकालेंगे, हमारे पास 24 घंटे है ना। अब कहेंगे मेरे पास तो टाइम नहीं बचता, ऐसा नहीं है, एकदम झूठी बात है। अगर कोई कहता है उसके पास टाइम नहीं बचता तो झूठ बोल रहा है।
एकदम बकवास करने के लिए टाइम है, दूसरे की निंदा करने के लिए टाइम है, इंद्रियों के पीछे भोग के पीछे भागने का टाइम है, केवल बस भगवान का नाम लेने के लिए टाइम नहीं बचता लोगों को। तो टाइम निकालना है, टाइम निकालना हर रोज एक समय बनाना है, उस समय आधे घंटे, 10 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी, जितना भी समय मिले आप नियम बनाइए कि उसमें भगवान का नाम लेंगे, भगवान के मंत्र का जाप करेंगे। अगर करेंगे, ये सत्य है, नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे आपके पास ला करके भगवान को खड़ा कर देंगे। यह नाम भगवान, कहीं अब कहेंगे कैसे, चिंतन करिए नाम का। चिंतन कैसे करेंगे, जब बार बार देखेंगे, जिसको बार बार देखेंगे उसका चिंतन शुरू होगा। तो हम घर में जो गंदी तस्वीरें लगाते हैं, फोटो लगाते हैं ना, इनको निकाल के फेंकिए, घर के कहीं ऐसी जगह भगवान का नाम लिख दीजिए जहां बार बार आपकी नजर पड़े, आपकी आंख पड़े, और जैसे नाम लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा आप भगवान का नाम जप लेंगे, राम, कृष्ण, राधा, दुर्गा, ओम नमः शिवाय, ऐसे जगह घर में भगवान का नाम लिख के रख दीजिए। ये गंदी तस्वीरें रखेंगे ना, फोटो रखेंगे ना, फिर से जन्म होगा, फिर से जन्म होगा। और जब जब जन्म होगा, इस जन्म में सोचिए क्या मिला, दुख के, अगर किसी कोई सत्य बोले तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। और ये संसार का नाम है दुखालय, सुखालय नाम नहीं है, संसार का क्या नाम है, दुखालय। तो दुख आलय मतलब घर, ये दुख का घर है, यहां दुख ही मिलेगा, एक ही सुख है, भगवान का नाम लेना और भगवान से प्रेम करना। तो ऋषभदेव जी कहते हैं कि जो महापुरुष है वह मुझसे प्रेम करता है, इंद्रियों के पीछे नहीं भागता है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकाना पाना चाहता है, और उनकी शरण जो ग्रहण करता है, उनकी जिस जो सेवा करता है, उसको भी मुक्ति मिलती है। इसलिए संतों की सेवा करिए, महापुरुषों की सेवा करिए, ब्राह्मणों की सेवा करिए, आपको शुद्ध रूप में विश्वास रखिए कि हमको आपको मुक्ति मिल जाएगी। और क्या कहते हैं, आत्म तत्व की जिज्ञासा, जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तभी तक अज्ञान बस देह आदि द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक वह लौकिक और वैदिक कर्मों में फंसा रहता है तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं, और इसी से देह बंधन की प्राप्ति होती है। हम रोज विचार करते हैं, धन कैसे कमाएं, नाम कैसे कमाएं, कैसे हमें बड़ी कुर्सी मिल जाए, जो एक कुर्सी पर है उसके आगे वाली जो कुर्सी है ऊंची वाली वो कम मिल जाए, जो मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर बनने कैसे बन जाए, जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट कैसे बन जाए। हम सारी जिज्ञासा करते हैं, सवाल भी करते हैं, 10,000 कमाते हैं हर महीना, अब हम 20,000 कैसे, सारा कुछ करते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सोचते हम कौन हैं, इस शरीर में मैं कौन हूं, अपने आत्मा की खोज कभी नहीं हम करते। हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा 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 सिर है, ये मेरी अंगुलियां हैं, लेकिन ये जो कह रहा है ये कौन है, जो ये कह रहा है मेरा हाथ है, मेरी शरीर है, यह कहने वाला कौन है, इसकी खोज करने वाला हम नहीं करते। हम नहीं करते, सारा खोज करते हैं, दुनिया की खोज करते हैं, संसार की खोज करते हैं, फकेशन जाने की खोज करते हैं, फकांसी की जगह खोज कर लेते हैं, ट्रेन कहां जाएगी खोज लेते हैं, प्लेन कहां जाएगी खोज लेते हैं, लेकिन एक बार नहीं कोशिश होती हम कौन हैं,
मेरी आत्मा कौन है, हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे, इसकी कभी कोई चर्चा भी नहीं होती। और कभी कभी तो बड़ी अजीब हालत होती है, कहते हैं हम सत्संग करते हैं, सत्संग में बैठ करके भी तमाम दुनिया की बातें करते हैं, सत्संग नहीं करते, नाम ले देते हैं सत्संग का लेकिन कोई सत्संग की बात नहीं होती। तो कभी आपस में बैठ करके एक बार खोजिए, आत्म तत्व क्या है, हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे। जब तक इसको नहीं खोजेंगे तब तक देह का अभिमान बना रहेगा, तब देहाभिमान रहेगा। हाँ, मैं तो बड़ा बलवान, मैं तो बड़े सुंदर गहने पहना, मैं तो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहना, मैं तो बड़ा सुंदर। और जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। और देहाभिमान से छूटने के लिए पहले हमें खोजना पड़ेगा हम कौन है, हम कहां से आए हैं और हम कहां जाएंगे। जब तक मन में वासनाएं रहेंगी, वासनाएं बनी है ना, हमें मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ऐसा हो जाए, हम इतने बड़े हो जाए, जहां जाए हमें लोग प्रणाम करें, जहां जाए हमें अपना परिचय न बताना पड़े, तुरंत लोग जान जाए, इस सब मन की वासनाएं हैं। और जब तक ये रहेगा तब तक देह बंधन रहेगा, हम देह में रहेंगे। और जब तक हम देह में रहेंगे ना, आते जाते रहेंगे, तब तक ये बीमारी भोगना पड़ेगा, ये अपमान भोगना पड़ेगा। हम सम्मान खोजेंगे लेकिन अपमान भोगना पड़ता है, भोगना पड़ेगा। बीमारियों से बचने के लिए हजार नाटक करेंगे, हम हजार बार दवा कराएंगे, यहां से लेके दुनिया भर दौड़ करके हम जो है दवा कराएंगे, लेकिन बीमारियां तो रहेंगी। इसलिए रहेंगे कि शरीर है, शरीर इसलिए कि हमारा कर्म है, और जब कर्म है तब शरीर है, शरीर है तो बीमारी है। ये शरीर इसीलिए नाम है इसका शरीर, सीरियते इस शरीरम, जो हर रोज सड़ रही है। अब आप कहेंगे पंडित जी तो बहुत कड़ी बात है, सड़ रही है। हाँ जी, सड़ ही रही है, बचपन बचा चला गया, ठीक है, किशोरा अवस्था बची चला गया, नहीं रुकी ना, जवानी है, या तो चली गई या तो जाने वाली है, एक बुढ़ापा है जो आएगा लेकिन जाएगा नहीं, ये रहेगा ही रहेगा, ख्याल रखिएगा। बुढ़ापा एक ऐसा है जो आता है फिर जाता नहीं है, फिर हड्डियों में पीड़ा होगी, फिर बीमारियां घेर लेगी। तो कर्म का बंधन ऐसा है कि शरीर लेना पड़ेगा, और जब शरीर हम लेंगे तो हमें दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए सारी वासनाओं से मुक्ति हमें लेना है। वासनाओं से मुक्ति का एक ही उपाय है, संत सेवा, भगवान का नाम जप। भगवान का नाम जपते हुए संतों की सेवा करना, ये सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन हमारी वासनाएं कितनी है जरा से सोचिए। भगवान के नाम के जप में मेरा मन नहीं लगता, टाइम कह देते हैं, तुरंत कह देते हैं। जिसके पास फालतू टाइम है वो भगवान का नाम जपता है क्या? जो संत नाम जप रहे हैं इनके पास फालतू टाइम है क्या? इनकी इच्छा नहीं हो, इनको नहीं इच्छा करना चाहिए बड़े बड़े महल बनाए? नहीं, ये इच्छा ही नहीं करते, इनकी इच्छा है बस शरीर का निर्वाह होता रहे और भगवान का नाम जप करता रहूं, मुक्ति मिल जाए। कोई संत महात्मा मिले उसका उसकी सेवा कर लो। इसलिए तो वासनाओं से बचने, कर्म बंधन से बचने के लिए, इस शरीर बंधन से बचने के लिए एक उपाय है संतों की सेवा और भगवान के नाम का जप, और देह बंधन की प्राप्ति होगी अपनी वासनाओं से। हम बहुत वेद पढ़ लें, बहुत शास्त्र पढ़ लें, बहुत से लोगों को याद है, किसी किसी को पूरी गीता याद है, किसी किसी को पूरे रामायण याद है,
किसी किसी को वेद के पूरे मंत्र याद है, क्या उससे मन शुद्ध हुआ? और विद्या भी दो तरह की है, वैदिक विद्या, लौकिक विद्या। लौकिक विद्याएं क्या हमको मुक्ति देंगी? हम बड़ा कोशिश करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, हम पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें, फिर कोशिश करते हैं हमारे बच्चे पढ़ लें हमारे बच्चे पढ़ लें। वो पढ़ लेगा, वो अपने कर्म से जो जो पिछले जन्म से लेके आया उसके अनुसार वो पूरी तरह से पढ़ लेगा, कमा भी लेगा, जी भी लेगा, खा भी लेगा, लेकिन हमारी चिंता ही रहती है। अच्छा, अब अगर पढ़ ही लिया तो क्या करेगा? पेट ही भरेगा ना। तो कल कहा कुकर सुकर ऐसे पेट भर लेते हैं। तो कौन सी विद्या पढ़ानी है? विद्या कहते किसको है? विद्या उसी का नाम है जिससे भगवान मिले। जितने लौकिक विद्याएं हैं, ये जितने सांसारिक विद्याएं हैं, ये हमको बंधन में डालती हैं। और बंधन में डालने के बाद हमें अभिमान पैदा कर देती हैं, हमें पुनर जन्म और मृत्यु से मुक्ति नहीं देती हैं। इसलिए यह विद्या नहीं है, विद्या एकमात्र विद्या है जिससे भगवान मिले, वही विद्या विद्या है। और वह विद्या कहां मिलेगी? महापुरुषों की सेवा से, संतों की सेवा से, ब्राह्मणों की सेवा से, नहीं तो मिलने वाली नहीं है। मैं देखता हूं माया में फंसे हैं लोग, समझाता भी हूं, अपनी कोशिश करता हूं, कुछ लोग तुरंत समझ जाते हैं और कुछ लोग कर्म के अनुसार समझ ही नहीं पाते, उनकी अपनी ही चलती रहती है। फिर ये कैसा होगा, वो कैसा? अरे होगा ना, होगा ना, भगवान करेंगे ना। हाँ, हमें अपना कर्म तो करना है, लेकिन भगवान के सहारे करना है ना, एकदम। और स्वार्थ तो इतना हो जाता है कि स्वार्थ में व्यक्ति पागल हो जाता है, लौकिक स्वार्थ में इतना पागल हो जाता है कि दूसरे की पैसे की बेईमानी करेगा, दूसरे का अपमान करेगा, दूसरे को नीचे गिराना चाहेगा, अपने को ऊपर उठाना चाहे। इन सब कर्मों का एक ही फल मिलेगा कि हमें फिर से जन्म मिलेगा, और जब हम जन्म लेंगे तो हमें दुख भोगना पड़ेगा, और उस दुख से मुक्ति पाने का रास्ता क्या है? भगवान के नाम का जप और संतों की सेवा। और इतना इतना स्वार्थ में लोग डूब जाते हैं, अपने आप को नहीं खोजते, सब कुछ खोज लेते हैं, अपनी स्मृति खो बैठ भूल जाते हैं मैं कौन हूं। हम माया में इतने फंस जाते हैं, इतने फंस जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, कभी सोचते तक नहीं, सोचते तक नहीं। बस विषयों में फंस करके अपना जीवन हम बर्बाद कर लेते हैं, एकदम बर्बाद कर लेते हैं। और होता क्या है, एक तो विषयों के लिए हम मेहनत करते हैं, बड़ा कष्ट उठाते हैं, तो विषय भोग की सामग्री हम जुटाते हैं। सोचिएगा हम अपना किस तरह से नाश करते हैं, इतना कष्ट सह करके हम विषय भोग की सामग्री जुटाते हैं, और उस विषय भोग की सामग्री से जब हम विषय भोग करते हैं उसका परिणाम क्या होता है? रोग और दुख। तो विषय भोग के लिए जो मेहनत सामग्री सामान जुटाने की कोशिश किए वहां दुख उठाए, विषय भोग किए उसका परिणाम ये निकला कि हम बीमारी रोग और दुख और कष्ट में फंस गए। तो हर तरह से यह कष्ट ही देता है, और तमाम तरह के कष्ट उठाते हैं। किस तरह से कष्ट उठाते हैं जरा सोचिए। सुबह उठते हैं, तैयार जल्दी 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 तैयार होते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, भोजन करते हैं, जल्दी जल्दी कार में बैठते हैं या तो ट्रेन पकड़ते हैं, दौड़ करके काम पर जाते हैं, दिन भर घोड़ा और गधा की तरह काम करते हैं, फिर भाग करके घर आते हैं, भोजन करते हैं,
भोजन करके बिस्तर में जाते हैं, फिर भोग विलास करके गिर के फिर सो जाते हैं, सवेरे उठ के फिर वही कर्म। कहीं सुख नहीं, कहीं सुख नहीं। तो सुख का जो रास्ता है ना, वो है जो ऋषभ देव जी कहते हैं, देह बंधन से छूटना है, सुख पाना है, तो उपाय है उसका। क्या उपाय है? भगवान के नाम का जप, गुरुदेव द्वारा प्राप्त भगवान के नाम का जप, संतों की सेवा। इसके अलावा संसार में कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। जब संतों का साथ करेंगे, सेवा करेंगे, तो क्या होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। आत्म तत्व की खोज करने की इच्छा भी प्रकट नहीं होगी। कभी कभी घर में बैठ जाइए, ध्यान करिए और सोचिए आप कहां से आए हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको कहां जाना है, आप सोचिए एक बार। और मैं सत्य कहता हूं, जिस दिन से सोचने लगेंगे ना, उस दिन से भगवान की खोज की प्रारंभ हो जाएगी। जिस दिन से हम यह सोच शुरू करेंगे ना, भगवान के खोज की प्रारंभ शुरू हो जाएगी। और जब खोज जिसने चलना शुरू कर दिया, एक न एक दिन अपने मंजिल पर पहुंचेगा, एक न एक दिन भगवान को वो प्राप्त कर लेगा, एकदम प्राप्त कर लेगा। तो ये जो तमाम तरह की वासनाएं हैं, ये जो भोग विलास की सामग्री है, जिसके लिए हम तमाम तरह का कष्ट उठा करके उसको जुटाते हैं, और जुटाने के बाद उसको भोगते हैं, भोगते के बाद उस फिर कष्ट उठाते हैं, फिर से हमारा जन्म होता है, फिर से वह कष्ट उठाते हैं, उसी में जो फंसे रहते हैं, इसके लिए शास्त्र और संत बड़ी कृपा करके यह बात कहते हैं, भगवान के नाम का जप करिए। बहुत ही लगता नहीं हमको, आपको लगता नहीं, लेकिन जरा सोचिए कि लगेगा। जहां सोचना शुरू करेंगे लगेगा, और जब लगेगा तो सारा अहंकार छोड़ करके मैं सत्य कहता हूं, भगवान का नाम जब शुरू करेंगे, और जब भगवान का नाम जब शुरू करेंगे, संतों की सेवा शुरू करेंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, अपने आप को जानेंगे, और जैसे अपने आप को आप जानेंगे, वैसे तुरंत आप मानिए या मत मानिए, लेकिन ये सत्य है कि भगवान की आपको प्राप्ति होगी।